हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तनाज सोसाइटल में आप सबका दिल से स्वागत है। और आप कैसे हो, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं एक रेसिपी के साथ आई हूँ जिसे कहते हैं प्रॉन्स करी। आपने मेरी पहली रेसिपी भी देखी होगी जिसमें मैंने प्रॉन्स करी बनाया था फल्ली डाल के, ड्रम स्टिक डाल के, जो गर्म मसाले वाली थी। ये टिपिकल कोंकणी स्टाइल में करी बनाने वाली हूँ, तो प्लीज़ ये वीडियो को एंड तक देखना। तो हमें लगेगा 4 रेड होल चिलीज, इमली, गार्लिक 3 पीसेस, 1 टेबलस्पून धनिया, 1 टेबलस्पून जीरा एंड 1 बिग ओनियन, 2 टोमेटोज, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर लीव्स और यह है कोकम। कोकम अब मुझे नहीं पता कि हर किसी को पता है या नहीं, ये इस करी की जान है तो इसे कहते हैं कोकम। तो हमें लगेगा 3 ग्रीन चिलीज, करी लीव्स, मेथी दाना एंड सॉल्ट एंड ऑयल। तो चलिए फिर हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मिक्सी में ये सब ओनियन, टोमेटो एंड देन रेड चिलीज, इमली और गार्लिक, और उसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, और इसे हम एकदम थिक पेस्ट नहीं करना है, इसे अच्छा ग्राइंड करना है अच्छे से। इसमें कुछ भी अक्खा दाना नहीं रहना चाहिए, तो ये तो इजीली ग्राइंड हो जाता है। उसमें थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा हल्का पानी डाल के आप ग्राइंड कर लीजिए, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। फिर हमने ले लिया है प्रॉन्स, ये 1/2 kg प्रॉन्स है। इसे अच्छे से हमने वॉश करके इसमें विनेगर डाल के रख दिया था। अब मैं एक पैन में ऑयल ले लूँगी और उसमें मैं डालूँगी करी लीव्स, और फिर मैं इसमें डालूँगी मेथी दाना एंड देन ग्रीन चिलीज, और फिर ये जो मैंने ग्राइंड किया हुआ मसाला है वो डाल दिया है। उसे अच्छे से मिक्स कर देना है। और मैं एक चीज़ बताऊँ, क्या यहाँ मैंने एक मिस्टेक कर दी थी। यहाँ मैंने जब तेल डालते हैं तो तेल थोड़ा गर्म हो जाए, उसमें प्रॉन्स डाल देना चाहिए ताकि वो प्रॉन्स की एक अच्छी सी खुशबू वो तेल में आ जाए, और वही फिर प्रॉन्स निकाल के वही तेल में हमें तड़का लगाना है। बट मैं प्रॉन्स वीडियो बनाने के चक्कर में प्रॉन्स डालना भूल गई थी, तो कोई बात नहीं, हम बाद में तेल में प्रॉन्स को थोड़ा सा फ्राई कर देंगे और इसमें डाल देंगे। तो मैंने वैसे ही किया, मैंने ये मसाला अच्छे से भून लिया क्योंकि ये टोमेटो एंड ओनियन कच्चा था तो इसे अच्छे से भूनना ज़रूरी था। और फिर अब मैं डाल दूँगी इसमें सॉल्ट और फिर इसे थोड़ा मिक्स करके इसे अच्छा पकाऊँगी। और पकाते पकाते इसे मैं ये बता दूँ कि प्रॉन्स आप ऐसा बाद में भी, जैसा मैं डालूँगी बाद में, छोटे से फ्राइंग पैन में थोड़ा ऑयल ले लीजिए और वो प्रॉन्स को आप फ्राई कर लीजिए। चाहे उसमें मसाला डालो या नहीं डालो, ऐसे ही आप थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। फिर ये अच्छे से पक गया था और फिर इसके बाद मैंने प्रॉन्स को अच्छे से ऑयल में फ्राई करके इस करी में मैं अभी डाल दूँगी। तो आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, आप पहले भी प्रॉन्स डाल सकते हो या बाद में अलग से फ्राइंग पैन में भी प्रॉन्स को फ्राई करके डाल सकते हो। तो मैंने फ्राइंग पैन में अच्छे से प्रॉन्स को फ्राई कर लिया था थोड़ा, और इसमें जो ग्रेवी है उसमें डाल दिया था। अब मैं इसे अच्छे से पकने दूंगी ताकि जो प्रॉन्स तो फ्राई में ही आधा पक जाता है, बट और थोड़ा मैं पकने दूंगी। और फिर अब मैं इसमें डाल दूंगी कोकम। कोकम से इसका टेस्ट थोड़ा और बढ़ जाता है क्योंकि इसकी जो खटास है, हमने इमली तो डाला ही था ग्राइंड करने में, बट ये कोकम का एक अलग ही टेस्ट आता है, अलग ही मज़ा रहता है। और कोंकणी करी में तो कोकम डालना ही डालना है। और फिर अब मैं इसमें डाल दूंगी कोरिएंडर लीव्स, धनिया पत्ता, और फिर इसको थोड़ा मिक्स करके इसे हमें थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर देंगे। और फिर इसे ढक के हम 5-10 मिनट्स तक स्लो पे पकाएंगे ताकि इसका अच्छे से तेल छूट जाए। और ये टेस्टी तो है ही और दिखने में भी बहुत अच्छी दिखे। तो अब हमने ढक के रख दिया है, अब 5 मिनट्स के बाद हम ओपन करेंगे और आप देख सकते हो इसका तेल अच्छे से छूट गया है। और ये बहुत ही इजी एंड सिंपल रेसिपी है और बहुत ही यम्मी बनती है।
तो आप इसे प्लीज़ ट्राई करना और मेरे चैनल को तनाज सोसाइटल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।